हाँ जी जय हिंद। आज की इस वीडियो में आपका बात होने वाला आर्मर ट्रेड के बारे में। हालांकि इसके पहले कोई भी ऐसा खास वीडियो इस पर नहीं आया है आर्मर ट्रेड के बारे में, लेकिन इस आज की वीडियो में बात होगा कि आपका आर्मर ट्रेड में टेस्ट कैसे होता है। ट्रेड टेस्ट के बारे में बात होगा, किस चीज के बारे में, ट्रेड टेस्ट। इसमें मैं थोड़ा सा और भी पॉइंट्स को कवर करूंगा। क्यों और पॉइंट्स को कवर करना जरूरी है, इसलिए कि यह जो ट्रेड है इस ट्रेड में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस बेसिस पे, ये सब आपको जानना बहुत जरूरी। तो ये आपको पता है यह भर्ती आपकी 10 बेसिस पे है, तो उसी हिसाब से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन आर्मर ट्रेड आपका तो अलग हो जाता है, अलग हटके, इन द सेंस जो आप पढ़ते हैं वो नहीं रहता है, उससे आपका हटके हो जाता है। तो इसमें किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो और साथ में बताना चाहता हूँ, आप लोगों का कमेंट आया था कि आर्मर ट्रेड के बारे में बताइए। तो काफी ज्यादा रिसर्च एनालिसिस करने के बाद, MDP एनालिसिस किया हूं, उसके बाद मैं लेकर के आया हूं। हालांकि ये जो मैं बता रहा हूं आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यही आपसे पूछा जाएगा, इस टाइप के मैं जो भी अनुमान लगा रहा हूं कि ऐसे ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस हिसाब से, जिस हिसाब से यह ट्रेड है। बाकी अगर जितने भी कैंडिडेट हैं जा रहे हैं आर्मर का ट्रेड टेस्ट दे रहे हैं, किस डेट को है, कहां पर है, तो पता चल जाएगा। वो थोड़ा मुझे टेलीग्राम पर टेक्स्ट कर देंगे, मैं उनसे जब वो दे करके आएंगे तो मैं उनसे ताकि जान सकूं कैसे क्या हुआ था। तो आर्मर ट्रेड टेस्ट आपको पता चल गया कि क्लास 10th के बेसिस पे होता है, और आपकी ट्रेनिंग इसमें कहाँ चलती है, ज्यादा करके सिकंदराबाद, जबलपुर, ऐसे जगह पे ट्रेनिंग चलती है। इसका हर एक जगह ट्रेनिंग नहीं होता आर्मरर का, क्योंकि कैंडिडेट को एक जो कैंडिडेट बोल रहा हूँ, एक जो राइफलमैन होता है उसको आपको हथियार को चलाना, जोड़ना, बांधना, तोड़ना, फोड़ना सब कुछ सिखाया जाता है। हैंड ग्रेनेड हो गया, RL हो गया, मोर्टार हो गया, सब चीज को। तो उसके लिए वैसा एरिया चाहिए, स्पेसिफाइड एरिया चाहिए, तो इसके लिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही ट्रेनिंग होता है, जैसे सिकंदराबाद, जबलपुर हो गया। और इसमें आपसे मैं आता हूँ बताने के लिए कि आपका इसमें कितने महीने की ट्रेनिंग होती, मोटा मोटा बता के फिर मैं ट्रेड टेस्ट पे जा रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू क्रिएट हो सके दिमाग में। कितने महीने की ट्रेनिंग होती है, लगभग आप मान लो इसके 70 महीने की ट्रेनिंग होती है, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ है, टेक्निकल चीज़ में थोड़ा टाइम लगता है। कैसे क्या ऑपरेट करता है, बैटरी का क्या काम होता है उसमें, यह सब ट्रिगर, हर एक चीज़, इसके लिए मैं आपको और भी वीडियो का रेफरेंस दूंगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को मैं दूंगा, उस वीडियो से आप जाकर सीख सकते हैं। तो बात करते हैं कि इसमें आपका आर्मरर ट्रेड टेस्ट में होता है, आर्मरर का काम क्या होता है, जैसे उस जॉब की प्रोफाइल क्या है। तो इसमें आपको हथियार को खोलना, बांधने वाला काम रहेगा, बनाने, बिगाड़ने वाला बनाना रहेगा। तो क्या होता है ना, फौज में आपको हथियार मिलते हैं, हथियार रखे हुए होते हैं, उस हथियार को जब कोई रंगरूट होता है, रिक्रूटी होता है जो ट्रेनिंग के लिए जाता है, जैसे आप लोगों में से जो लोग भर्ती देखते हैं GD वाले, जनरल ड्यूटी बोलते हैं, वो लोग राइफलमैन बनते हैं, तो उन लोगों को क्या हथियार को चलाना वलाना आना चाहिए। तो जब वो ट्रेनिंग करने के वक्त हथियार की ट्रेनिंग लेते हैं, वेपन ट्रेनिंग लेते हैं, तो उनको एक रूम में ले जाया जाता है, वहाँ पर हथियार रहता है, उसके बाहर वो खड़ा होते हैं, और वहाँ से क्या करना होता है, हथियार ले लेकर के जाना होता है। सेल्फ लगा हुआ होता है पूरा, एकदम एक तरीके से पूरे रूम में इस तरीके से लगा हुआ होता है उसमें, और उसमें चेन से बांधा हुआ होता है। हर एक राइफल के अंदर जो ट्रिगर गार्ड होता है ना, ट्रिगर का ऐसे होता है, उसके अंदर अंदर सीकर ले जाकर घुसा के सबको लॉक किया जाता है, मैगजीन को अलग किया जाता है, मैगजीन को एक अलग बक्सा में बंद किया जाता है, बक्से में ताला बंद किया जाता है, और इस तरीके का उसमें का कुछ SOPs होता है। और ये जब अब तो आप राइफल लेकर के जा रहे हो, अब राइफल में कोई खराबी आ गई तो बनाएगा कौन, थोड़ा अच्छा वाला खराबी आ गया, मान लीजिए वो थोड़ा सा स्प्रिंग हुआ है, ब्रिज ब्लॉक आपका स्लाइडर में है, तो गैस स्प्रिंग में, तो उसको तो मैनेज कर लिया जाएगा, लेकिन तो अच्छी खासी दिक्कत आ गई, जैसे मान लीजिए मैगजीन का पिन ही टूट गया, तो उसको कौन बनाएगा। तो उसको बनाने के लिए आर्मर ट्रेड वाले आते हैं, आर्मर ट्रेड का यही काम होता है। अब जैसे बैरल में आपका क्या हो गया कि इतना ज़्यादा यूज हो गया, इतना रस्टिंग हो गया, या नहीं यूज करने की वजह से उसमें कोई दिक्कत आ गया, तो उसका क्या होगा, तो उसको भी बनाने के लिए आप आर्मर ट्रेड वाले ही बंदे उसमें काम आते हैं। ठीक है, वर्दी सब मिलता है, वही रहता है। तो इसमें आप जब यह सब जान लिए, यह सब काम होता है, तो इसमें ट्रेड टेस्ट में आपको क्या क्या पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक किस चीज़ की, इन राइफलों की, जैसे AK-47 हो गया, AK-56 हो गया, 0.22 हो गया, 0.30
303 जिसको 303 बोलते हैं, 303 हो गया। और इसमें पूछ सकते हैं कि आपसे RL के बारे में, रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड के बारे में, हैंड ग्रेनेड हो गया, जो हैंड ग्रेनेड हाथ से फेंकते हैं ना, उसका रेंज क्या होता है, उस किस चीज़ का बना होता है, किस धातु का, बुलेट के बारे में पूछ सकते हैं, बुलेट किस चीज़ का बना होता है, उसमें क्या होता है, किस प्रिंसिपल पर काम करती है बंदूक। और आपसे पूछ सकते हैं रेंज के बारे में, रेंज पर जाते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए, हथियार को जब हैंडल करते हैं तो क्या ध्यान में बातें रखनी चाहिए, सबस्टेंस वेलोसिटी, मजल वेलोसिटी, इन सब के बारे में, और मैगजीन किस राइफल की कितना क्या मैगजीन का वेट साइज, वेट साइज तो नहीं पूछेंगे, पूछ देंगे कि मैगजीन किस चीज़ का बना होता है, मैगजीन कहाँ पर लगता है, कैसा होता है, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। मैं फिर बता रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड है, ठीक है, आप दे करके आइएगा तो बताइएगा, इसके पीछे ही पूरा आप मतलब लग जाइएगा, मोटा मोटा एक बार देखते हुए चलिएगा। पार्ट्स के नाम पूछ सकते हैं कि अच्छा अच्छा साफ सफाई के पार्ट्स के नाम के बाद में साफ सफाई पे चल रहा हूँ, साफ सफाई के पुर्जे टूल्स के नाम बताइएगा। तो चलिए पार्ट्स के नाम पूछ लेंगे तो बोलेंगे कि चलो यह पार्ट्स बताओ राइफल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो आप राइफल को एक समझ लो कि राइफल है, राइफल के नीचे से या तो चालू करो या तो ऊपर से चालू करो नाम को बोलना। अब नीचे से जैसे अगर आप अपने शरीर के नीचे वाले भाग से बोलोगे तो फुट हो गया, वो टो हो गया, ये फिर आओगे तो ये नी हो गया, इस तरीके से ऊपर आओगे, उसी तरीके से हथियार को भी नीचे से ऊपर की तरफ ले जाओ, तो बट नीचे क्या हो गया, उसका टो हो गया, बट प्लेट हो गया, बट हो गया, स्टॉक हो गया, उसके ऊपर जैसे आप आइए तो बैक साइड लीफ हो गया, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा चले जाइए तो आपका क्या हो गया, कवर हो गया, फिर उसके अंदर आप जाएंगे तो स्लाइडर हो गया, उसके अंदर जब आप स्लाइडर हटाएंगे तो अंदर ब्रिज ब्लॉक रहता है, अब ब्रिज ब्लॉक अब उतना पे छोड़ दीजिए, अब उसके बगल में आ जाइए तो आपका कॉकिंग हैंडल हो गया, कॉकिंग हैंडल के बाद आप आ जाइए कैरिंग हैंडल हो गया, कैरिंग हैंडल के नीचे आ जाइए आपका क्या हो गया, ट्रिगर गार्ड हो गया, ट्रिगर हो गया, अब आप आगे धीरे धीरे बढ़ते रहिए तो आप आगे जब जाते तो बैरल हो गया, गैस स्प्रिंग हो गया, नीचे आपका मैगजीन है। तो यही सारी इन सब पार्ट्स को आप थोड़ा सा एक बार याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिए। अब यह सब आप कहाँ से देखेंगे उसके लिए मैं आपको बताऊंगा वीडियोस, कौन सी वीडियोस आपको देखनी है, मैं उसके लिए बने रहिएगा लास्ट तक। तो अब आते हैं कि आप क्लीनिंग के लिए पूछ सकते हैं कि भैया क्लीनिंग के लिए बताओ, और हाँ हथियार का रेंज वेंज भी याद कर लीजिएगा, जैसे इंसास का एक कर, खास करके जो अपने इन्फेंट्री में यूज होती है, जैसे इंसास 5.56 mm राइफल हो गया, इंसास 7.76 mm LMG है, LMG तो नहीं जाएंगे यहीं पर, राइफल पर ही रहेंगे, 1.47 हो गया, और रॉकेट लॉन्चर हो गया 84 mm हो गया, तो इन सब के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा कि इनका मजल वेलोसिटी कितना है, क्योंकि इंसास का जो कि अपना अपने देश का है, अपने देश की बनाई हुई, इंसास का पूरा नाम क्या होता है उसको जान लीजिए, 1.47 का पूरा नाम क्या होता है, एक ऑटोमेट कोलासनिको या ऑटोमेटिक कोलासनिको, 47 क्या है आपका ईयर है, 1947 में बनाया था, कौन बनाया था, कोलासनिको जी बनाया, तो उन्हीं के नाम पे रखा गया था, सबसे डेडलीस्ट है, सबसे ज़्यादा इसी ने हथियार ने जान लिया है। अब क्लीनिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि राइफल को क्लीन कैसे किया जाता है, साफ सफाई के लिए आप टूल्स बता दें कौन कौन से टूल्स का प्रयोग होता है, तो उसमें ब्रश रहता है, ब्रश में भी दो टाइप के रहते हैं, एक होता है आपका ब्रॉन्ज और दूसरा होता है नाइलॉन ब्रश, तो ब्रश के बारे में पूछ देंगे कि उसमें कौन कौन से अलग अलग ब्रश होते हैं, चिंदी क्या होता है, क्लीनिंग क्या क्लीनिंग रॉड होता है, ग्रेफाइट का यूज उसमें किस लिए करते हैं, जैग होता है, कॉटन होता है, कॉटन स्वैब, क्लीनिंग स्वैब कॉटन, और एक होता है क्या सॉल्वेंट, कौन सा होता है क्लीनिंग सॉल्वेंट का नाम बताओ, गर्म पानी, हाँ, और उसमें क्या कहते हैं हथियार को ना पूरा गर्म पानी खोलाया जाता है, उसमें उससे भी साफ किया जाता है, उसके बैरल को पूरा खींच खींच के बहुत ज़्यादा ताकत लगता है, जब आर्मरर वालों को देखो गन ऑयल का फिर उसके बाद प्रयोग करते, जब आप आर्मरर वाले को देखोगे कि आर्मरर वाला जब साफ करता है ना इतना तेज़ी से साफ करते हैं कि आप देख के, जब मैं था तो मैं अभी एक हथियार को उसी तरह से ले के कर रहा हूँ, उधर तीन हथियार साफ, इतना तेज वो काम करते हैं। अब उनका वही काम ही, अब कोई एक काम को अगर हमेशा कर रहा है, जलेबी कोई बना रहा छान रहा है तो उसको कितना अच्छा से कर लेगा, और दूसरे को लाग दीजिए नहीं कर पाएगा, थोड़ा धीरे करेगा अभी उसमें, तो इस तरह से है। तो ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो भी होगा देखिए इस वीडियो पे मत रुके रहिएगा कि यही पूरा है कि यहीं पे बस हो गया, ख़त्म हो गया, इतना ही पढ़ के जाना है, आप अपना तैयारी खुद से करते रहिएगा, या मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, पहले ही बता दे रहा हूँ, आप लोगों का ज़्यादा कमेंट क्वेरी था इसलिए। और ये वीडियो के लास्ट में यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आपका प्लेलिस्ट बना आ गया वेपन ट्रेनिंग का, मैंने वेपन ट्रेनिंग का कवर किया हुआ है इसमें टॉपिक्स, और अगर जो भी टॉपिक्स नहीं कवर हो रहे प्राइवेट में होंगे तो मैं उसको आपको अनलिस्ट करके देखूंगा, तो टेलीग्राम में लिंक सेंड कर दूंगा, नहीं तो आप उसमें से देख लीजिएगा, मैं वहीं पर ओपन कर दूंगा। ठीक है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, सो फॉर जय हिंद।